अस्सलाम गाइस, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज 3 हफ्ते बाद वीडियो शूट कर रहे हैं और काफ़ी इतना लेट कभी नहीं हुआ था वीडियो शूट करने में, वीडियो अपलोड करने में आप लोगों के लिए। और उसका रीज़न बहुत गंभीर है, आगे वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि क्योंकि क्यों नहीं हम लोग वीडियो शूट कर पा रहे थे और क्या वजह थी जिसके वजह से हम लोग 3 हफ्ते तक वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें, बाकी उसके लिए सॉरी 3 हफ्ते तक वीडियो अपलोड नहीं करने के लिए। और अभी धूप में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इधर आके ट्रैक्टर के पास। इधर सबसे मस्त जगह था, छांव था पेड़, और इसलिए यहाँ पे आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। घर पे वीडियो शूट करने लायक नहीं है क्योंकि लाइट आइट बिल्कुल रह नहीं रही है, तो इसलिए वीडियो शूट अंदर नहीं हो पाएगा फ़िलहाल। तो बाकी चलिए, आप लोगों को सादिया का बहुत वेट कर रहे थे, बहुत कमेंट कर रहे थे आप लोग कि क्यों नहीं वीडियो शूट कर रही है, शादिया का अभी कहाँ है, कैसे हैं, क्या हुआ है उनको। तो मैंने सोचा कि चलो शादिया से भी मिला देते हैं और उनको भी दिखा देते हैं आप लोगों को क्यों वीडियो शूट नहीं हो रहा था और क्या प्रॉब्लम थी, ये भी बता देते हैं आप लोगों को। तो वीडियो शूट जो कर रही है वो शादिया ही वीडियो शूट कर रही है और मेरे साथ, मतलब मुझे सपोर्ट कर रही है, देख सकते हैं इधर शादिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स, गुड मॉर्निंग, बहुत दिन बाद सभी को अस्सलाम वालेकुम और सभी को गुड मॉर्निंग गाइस। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट मैं पढ़ पढ़ के, मैं सबका कमेंट पढ़ती थी। आप लोगों को लगता था कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, मैं कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं रिप्लाई कुछ लोग को देती थी, लेकिन तबीयत खराब थी मेरी बहुत ज़्यादा और यही थी सबसे बड़ी रीज़न कि हम लोग छोड़ दिए थे वीडियो शूट करना और मन नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं है कि तबीयत इतना ज़्यादा खराब था कि वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा था। इसकी तबीयत गाइस अभी बहुत अभी भी हाँ रही है, सच पूछो गाइस तो इसकी तबीयत काफी खराब थी, ब्लड 5 तक आ गया था। हाँ, मतलब मैं बेहोश हो गई थी, गिर के बेहोश हो गई थी गाइस, इतना ज्यादा तबीयत खराब। और उसका रीजन ये था कि काफी ब्लड, मतलब ब्लड इसका बहुत गिर गया था, कम हो गया था ब्लड, बहुत ब्लड की कमी इसकी बॉडी में हो गई थी। और दूसरी बात, 7 पॉइंट से भी नीचे चला गया था, 6 पॉइंट से भी नीचे चला गया था, इस वजह से मैं एक दिन गिर भी गई थी आंगन में, चक्कर आके मतलब बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं कैसे गिरी, क्या हुआ। और कुछ लोगों को ये लग रहा था कि मेरा इनका झगड़ा चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, मेरा इनका झगड़ा सिर्फ 2-4 घंटे चलता है, लेकिन इस बार सच में मतलब 3 हफ्ते पहले जो झगड़ा हुआ था वो 3 दिन तक चला था ना। और गाइस अभी चलते हैं अंदर, आप लोगों को फिर से बताते हैं कि और क्या रीजन थी। अभी यहाँ चलते, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही ना, चलिए अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी छत पे आ चुके हैं और यहाँ पे इधर पीछे से भी हवा आ रही है, आगे से भी हवा आ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा है कि कहीं भी बाहर अच्छा नहीं लग रहा है। और एक रीज़न ये भी था कि वीडियो बनाने का, मतलब तबीयत खराब रहती है फिर भी इंसान वीडियो बना लेता है, लेकिन इतनी गर्मी थी और जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्लड की कमी की वजह से चक्कर आ रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब उठा नहीं जा रहा था, ऊपर से गर्मी में बाहर निकल के वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा दिक्कत था, तो इस वजह से भी मैं वीडियो नहीं बनाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस साल की गर्मी कितना ज़्यादा थी, बाप रे, सभी लोग परेशान गए इस साल की गर्मी की वजह से, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा और वो हो गया था। और सबसे बड़ी बात कि गाइज आप सभी को भी पता है कि इस साल की गर्मी में लोग कितना ज़्यादा परेशान हुए हैं, और पहले तो 2-4 दिन हम लोग का झगड़ा हुआ इस वजह से वीडियो नहीं बना, फिर उसके बाद तबीयत बिगड़ गई इस वजह से वीडियो नहीं बना, गर्मी बढ़ गई इस वजह से। लेकिन गाइज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 हफ्ते वीडियो नहीं आया, ऐसा नहीं होगा आगे से इंशाल्लाह, कोशिश रहेगी आप सभी को एक दिन या बहुत ज़्यादा हो तो 2 दिन गैप करके वीडियो मिलता रहे, और लाइव के लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लाइव आते रहें। और पॉइंट वाली बात पे आते हैं गाइज, बहुत सारे लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, कि भाई से झगड़ा हो गया है, कि घर में कोई दिक्कत है। तो गाइज झगड़ा तो हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हो 2 हफ्ते जो पहले वीडियो मैंने डाला था तो उसमें बताया था झगड़ा तो हुआ था, लेकिन वो झगड़ा 2-3 दिन का था, फिर उसके बाद सुलह हो गई हम लोगों में। और रही बात दूसरे कमेंट की तबीयत खराब, तो गाइज तबीयत भी खराब थी, और उसके बाद कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो गाइज घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इंशाल्लाह आगे से वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा। और बहुत सारे लोग जो कमेंट किए उनको थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग केयर करते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, जो लोग हमारी बहुत ही दिल से केयर करते हैं और उनको बहुत बहुत शुक्रिया। मूल रीज़न ये गाइज कि इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब थी, ये बताना नहीं चाह रही है, लेकिन मूल रीज़न ये कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी इसलिए। और मुद्दे की बात हो गई तो आप लोगों को बस बताना था कि वीडियो हम लोग क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग वीडियो क्यों नहीं बना रहे, हम ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, इसकी तबीयत बहुत 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 ख़राब थी गाइज, ये आज कुछ ठीक महसूस हुआ है इसलिए ये नहीं, मैं कई दिन से सोच रही थी गाइस कि मैं फाइनली वीडियो बनाऊं और आप सभी को बताऊं कि वीडियो ना आने का क्या वजह है, कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है।
मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं वीडियो बना के आप सभी को बताऊं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो फाइनली आज का वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा गाइस, ये ब्लॉग नहीं गाइस, ये बता रहे हैं हम लोग, सिर्फ आप सभी को बताना था कि क्या रीजन थी। और सबसे बड़ी बात, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी और मैं कहीं दिखाने भी नहीं गई डॉक्टर को, यहीं पे अपने गांव में ही दिखा के दवा वा ले ली और बाहर नहीं गई क्योंकि तबीयत धूप और गर्मी की वजह से बाहर कहीं दिखाने नहीं गई। तो हो सकता है एक आध हफ्ते बाद कहीं जाऊं अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं कि मतलब ब्लड इतना डाउन क्यों होता जा रहा है, क्योंकि ब्लड बढ़ाने के लिए मैं दवा कर रही थी लेकिन फिर भी डाउन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके, इसीलिए चेहरे पे थोड़े से हाँ थोड़ा सा चेहरा उतर गया, लोग कहते ना चेहरा उतर गया, बस यही आप लोगों को बताना था। बाकी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट देखकर कि आप लोग चिंतित थे, सोच रहे थे वीडियो क्यों बन रहा है, बहुत अच्छा तो वीडियो को यहीं पे एंड करते, बता दिया हम लोगों ने जो मेन मुद्दे की बात थी। बाकी आप लोगों को ब्लॉग मिलता रहेगा इंशाल्लाह, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए के साथ, अच्छे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कोशिश रहेगी आप सभी के लिए लाइव भी आए, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें, ऐसे ही हम लोगों को, हम लोगों के प्रति प्यार बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।